हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी बहुत बढ़िया स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और व्लॉगिंग मैंने शाम से स्टार्ट करी है और टाइम 5 बज रहे हैं और सब पापा मम्मी ने चाय पी ली, पानी भी भर चुका है और मैं आई थी यहाँ पर इवनिंग वॉक करने। तो सबसे पहले बड़ों को मेरी ओर से प्रणाम। और सुबह से नहीं की थी, आपको पता ही है संडे वाला दिन पूरा बिजी रहता है। फिर हस्बैंड घर पर थे आज और बस आई थी ऊपर भी। शाम के टाइम में भी थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लेती हूँ और एक दो एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती शाम के टाइम पे, वॉक कर लेती हूँ ज़्यादा शाम के टाइम पे। और अभी भी इस टाइम वॉक करते करते आपसे बातें कर रही हूँ। और कंघी वगैरह करने आई थी मैं। चाय वगैरह तो मैं पीती नहीं, चाय तो बिल्कुल छोड़ दिया है मैंने, सिर्फ पानी पी के आई हूँ। अभी भी पानी, वो भी नॉर्मल पानी पिया है मैंने। और आपको कुछ और बातें भी बतानी थी कि जो मैं 32 का फार्मूला कर रही हूँ, तो आज मैं आपको नाइट में दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ शाम के टाइम पे। इस टाइम मैं कुछ नहीं खाती, शुरू से याद है इस टाइम पे मैं कुछ नहीं खाती हूँ। और बस ऊपर छत में आ गई हूँ, सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करूँगी, क्या बनाना है पूछूँगी सबसे और फिर आपको आज दिखाऊँगी आज डिनर में क्या करती हूँ। और डिनर में हमेशा मैं इसी तरीके से ही करती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हो तो एक रोटी खाती हूँ। और सुबह के टाइम पे जो पानी पीती हूँ ना मैं, सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग का भी आपको रूटीन शेयर ज़रूर करूँगी आप सभी के साथ। और अभी नहीं कर रही, अभी उस दिन मैंने बीच में से ही किया था आप सभी के साथ, पर अभी नहीं कर रही। और अभी मैं आपको आज अपना नाइट रूटीन दिखाऊँगी, मतलब इवनिंग से शुरू करी है मैंने। इवनिंग में मैं कुछ नहीं लेती हूँ, शुरू से ही कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ पानी पी के आई हूँ अभी मैं, अभी 2-3 गिलास। और सीधा नाइट का ही दिखाऊँगी नाइट में क्या लेती हूँ मैं और क्या खाती हूँ। नाइट में हमेशा यही होता है कि हमेशा कम खाना चाहिए। आप मॉर्निंग में ज़्यादा ले लो, दिन में ले लो, पर नाइट में हमेशा हमें लाइट खाना खाना चाहिए। क्योंकि नाइट में ना कोई कोई होता है वॉक करने नहीं जा पाता, तो वो पचने में टाइम लगता है और फिर वही हमारा फैट जल्दी से वो होता है। और बेली फैट वगैरह की ड्रिंक आप लोगों को मैंने बताई दी थी, तो काफ़ी लोगों ने उसमें बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने देखा। पर प्लीज़ वीडियो को तीन मिनट तो वॉच करें, आपने 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ही हो रखा था उसका, आपने पूरा वॉच नहीं किया है। तो प्लीज़ वीडियो को 3 मिनट तो वॉच करें, सपोर्ट करें। और बस यहाँ से इवनिंग की व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सामने बच्चे ना वो छुपन छुपाई खेल रहे होंगे, तो आप लोगों ने भी खेला होगा बचपन में, मैंने तो बहुत खेला है। जरूर कमेंट में बताना आप लोगों ने खेली कि नहीं खेली, और सभी ने खेली होगी। पर अब ना ज़्यादातर बच्चे मोबाइल वगैरह में ज़्यादातर बिजी हो गए, तो बहुत कम लोग देखेंगे। मतलब पहले तो बहुत लोग खेलते थे छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बहुत चीज़ें खेलते थे, पर अब बहुत कम देखने को मिलता है बच्चों के। और आज देखा मैंने, वरना तो बच्चे ज़्यादातर शायद एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं बच्चों के, तब लगे हुए शायद खेलने में। तब मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही थी ना, तो बच्चे देखने में लगे हुए थे। और कहाँ चले पार्क? तो ये कह रहा है हमें पार्क जाना है 5 मिनट के, फिर जा अंधेरा होने से पहले आ जाना। दिया मैं आज कहूँगा। नहीं बहू, आप भैया के लिए आ जाए, अब भैया का कल पेपर है ना। ठीक है, अच्छा भैया आ गए दिया। पापा से ही पूछ लो, मुझसे मत पूछ, पापा से पूछ लो पहले। और देखो ये खुश हो गए कि मैंने उसको पार्क के लिए भेज दिया। पता नहीं पार्क का आजकल फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं ना गर्मी के टाइम में, तो इसका मन करता है जाने का। हेलो गाइस, हेलो, गुड इवनिंग। ये देखो ना, देखो कितना देखो आ रहा, कितना फैशन से देखो मैंने कपड़े पहने हैं। ये देखो कैसे पहने हैं, नीचे लोअर है, ऊपर वाइट कमीज, मेरा मतलब टी शर्ट। कल इसका मैथ्स का एग्जाम है। और कब पार्क में जा रहे हैं? पापा से पूछा, पापा ने मना दिया। कहाँ है? दिया वहाँ होगा, पापा ने हाँ बोल दिया। बोल दिया पापा ने हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ अंधेरा होने से पहले। हाँ टूट गया, वो बोलते कि उसको लेने आ जाएंगे, तो ये जा रहे हैं पार्क। और मैं जाऊंगी अब थोड़ा वॉक करती हूँ और फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी सब्जी बनाऊंगी। ये पार्क जा रहे हैं, इनका रोज का रूटीन हो गया। अभी 2-4 दिन से नहीं भेज रही थी से, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है ना। इसका मैथ्स में तो जा सकते हैं ना, इसका मैथ्स का पेपर था।
देखते हैं क्या करता है, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा क्या कर रहा है ये मैथ्स के पास। चलो मैं वॉक करती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी वॉक करके, क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बार बार बच्चे भी आ रहे थे और फिर वॉक नहीं हो पा रही थी ढंग से। तो यहाँ पे अब मैं सब्जी वगैरह मैंने कट कर ली थी पहले ही, और उसके बाद यहाँ पे छोक रही हूँ। तो तेल मैंने रख दिया गर्म, इसके साथ ही साथ प्याज कटिंग वगैरह कर दिए कर रही हूँ, और गोभी को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है क्योंकि कीड़े वगैरह का डर रहता है ना। तो यहाँ पर बस मैं तैयारी कर रही हूँ, आज गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखो दोनों की शरारतें शुरू हो गई है, अभी तो एक ही आया है, अभी दूसरा भी आएगा। और ये देखो आप कैसे मिर्च खाते हुए दिखा रहे हैं, मैं इनको मना भी कर रही थी कि मत आओ, पर पता नहीं कि मानते नहीं है, उनका भी मन करता है कि हम व्लॉग में आए। तो यहाँ दोनों की शैतानियाँ ना काफ़ी देर तक चलती रही, उसके बाद ना मैंने थोड़ी देरी वीडियो बनाई क्योंकि ये बार बार आए जा रहे थे तंग कर रहे थे, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और देखो ये हॉलडेक्स खा रहे हैं ऐसे ही ना, ये चुरा चुरा के ऐसे हॉलडेक्स खाते कभी कभार, तो वो कह रहा मुझे भी दो तो ये भी अब खाने लग गया। तो वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कराया वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, और वैसे भी वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि जैसे ही मैं इधर रखूँ कैमरा उधर रखूँ तो दोनों के दोनों आ जा रहे, अभी फिर आ जाएंगे, मैंने इसे भगाया तो देखो फिर आ गया। तो ये देखो मेरे को बार बार तंग कर रहे हैं, आखिर में मैंने इसे धक्का देके भगाया कि चल जाना यहाँ से, तो ये नहीं मान रहा था। आज मुझे बहुत परेशान करा इन्होंने, और यहाँ साथ के साथ सब्जी भी बना रही थी और सेमियाँ भी बनाऊँगी। ये देखो फिर शुरू हो गई है, तो यहाँ मैं सेमियाँ भी बना रही हूँ, साथ साथ सब्जी बन रही है। तो हस्बैंड कह रहे थे सेमियाँ खाने का मन हो रहा, तो मैं आया सेमियाँ भी बना रही थी, और बच्चे भी बोल रहे थे, तब भी देखो ये कैमरे के आगे लगे हुए हैं अभी तक। तब जाके ना मैंने थोड़ी देर ये वीडियो बनाई। फ्रेंड्स तो घर में सभी ने खाना खा लिया था, बस मैं ही बची थी, तो मैं यहाँ पे सब काम निपटाने के बाद ये खाना खाती हूँ। तो यहाँ स्लिप वगैरह किचन क्लीन करके अब बर्तन वगैरह धो के फिर आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। फ्रेंड्स ये है मेरा डिनर, तो आज सेमियाँ बनाई थी तो सेमियाँ खा रही हूँ, एक रोटी ली और सब्जी ली है वो खिला दिया है, उसी के बाद मैं आराम से, क्योंकि मुझे आराम आराम से खाना होता है, एक रोटी तो लेती हूँ उसको आराम आराम से खाती हूँ। तो सबको खाना दे के और बर्तन वगैरह धो के अपना रिलैक्स होके खाना खाती हूँ रात को, और उसके बाद कुछ ऐसा हर चीज़ खा खा के मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। घर का कुछ भी बनता है, ये नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, यही घर का ही खाने से अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। और एक्सरसाइज और पानी ये ज़रूरी है, एक्सरसाइज सुबह ज़रूर करती हूँ और पानी ज़्यादा पीने लग गई हूँ, पहले कम पीती थी अब ज़्यादा, और बैठ के पानी पीने लग गई हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं अपना डिनर ले जाऊँगी, ये मेरा आज का डिनर है तो इसे आराम से खाऊँगी, और बाकी सबने खा लिया, ये देख लीजिए आप बर्तन सारे धुल गए, यहाँ सिंक में कुछ भी नहीं है, बर्तन सब धुल गए हैं और सारा मैंने समेट दिया है, बस ये मेरे बर्तन होंगे और ये जो सेमियाँ है इसका बर्तन है, बाकी सब मैंने पूरा घर का काम कर दिया। और यहाँ की आप लाइट भी देख सकते हो, पापा मम्मी जी का कमरा बंद भी हो, मतलब सो गए हैं, पापा मम्मी जी की लाइट भी, मतलब कमरे की लाइट भी बंद हो गई, बस अभी हमारी नहीं क्योंकि वहाँ टीवी चल रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, कार्तिक सो गया पार्क से घूम के आया होगा तो थक गया होगा, केशव टीवी देख रहा है उसको थोड़ा, फिर अभी मैंने कहा थोड़ा सा टीवी देख लें जब तक मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद उसे पढ़ाऊँगी। और इस वीडियो का यही, एक्सरसाइज और पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और ड्रिंक जो मैंने आपको बताई थी, आप उस व्लॉग में आपने बहुत सपोर्ट करा है, इस व्लॉग में भी आप ऐसे ही सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे व्लॉग को देखा उनको थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, वापस खाना खाऊँगी और अब तो काम नहीं है, उसके बाद एकदम तुरंत सोती भी नहीं हूँ, और एक आसन वो बैठ के आसन बैठ के बैठती हूँ, एकदम खाना खाने के तुरंत बाद सोना भी नहीं चाहिए, और कुछ का मतलब तो कुछ काम कर लेती हूँ, मेरे को अभी अपने कपड़े खंगालने हैं, चादर वगैरह मैंने मशीन में डाल रखी है ना, तो अभी ना ऊपर की टंकी का पानी ख़त्म हो गया तो मुझे अंदर गुसल खाने में जाके खंगालना पड़ेगा, तो वो काम हो जाएगा मेरे लिए, तो चादर वगैरह खंगाल लूँगी मैं, मतलब कुछ ना कुछ रात को भी मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ काम करूँ, या मैं छत में जाके वॉक कर लेती हूँ। तो ये एकदम खाने के तुरंत बाद एकदम लेटना भी नहीं चाहिए, उससे भी पहले फैट और वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ काम करो, अब तो गर्मी आ गई है वॉक कर सकते हैं नीचे जाके, मैं नीचे नहीं जाती तो मैं ऊपर छत में टेरेस में अपना वॉक कर लेती हूँ,
और मेरा खाना हो रहा है ठंडा। और इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट।